असलम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एक ऐसी अर्निंग वेबसाइट लेके आऊँ जहाँ से आप सिर्फ पिक्चर, वीडियो, कुछ प्रोडक्ट या बुक्स वगैरह अपलोड करके आप अर्निंग कर सकते हो। आप म्यूज़िक भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। ये वेबसाइट 100% लेजिट है, गूगल से सर्टिफाइड है और बहुत सारे लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। सिर्फ अपनी चीज़ें, प्रोडक्ट वगैरह आप अपलोड करें और जैसे ही आपकी सेलिंग होगी आपको अर्निंग होती रहेगी। तो मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा वन बाय वन, कैसे आप कॉपीराइट वर्क करके यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अगर स्किप किया तो आप समझ नहीं पाएंगे और अर्निंग नहीं होने वाली। आप ये वर्क अपने मोबाइल में भी कर सकते हो। चलते हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करना है। यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे आप देख लें, इसका वेबसाइट का नेम है गुमरोड। आप चेक भी कर सकते हो गूगल पे इसका रेट वगैरह या यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो। ये 100% लेजिट है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट अपलोड करने मिलती है। तो कौन सी अपलोड करेगी ये देखो, Go from $0 to $1। आप $1 से चीज़ें बेचना स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे हम नीचे आएंगे आप कौन सा वर्क कर सकते हो यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। जैसे हम नीचे आप 3D इमेजेस अपलोड कर सकते हो, उसके बाद ऑडियो, बिजनेस एंड मनी, उसके बाद ग्राफिक, ग्राफिक नॉवल्स, डिजाइन, ड्राइंग, पेंटिंग, एजुकेशन, ये देखो फ्रिक्शन बुक्स। आप यहाँ पे फ्रिक्शन बुक्स लिख सकते हो, फ्रिक्शन स्टोरी लिख सकते हो, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो पोएट्री, फिक्शन या साइंटिफाई, आप ChatGPT से लिखें, वहाँ से थोड़ी इसकी एडिटिंग करें ताकि ह्यूमन लगे और आप इस पर अपलोड कर दें। जैसे यूजर्स आएंगे आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे फिल्म्स होगी, शॉर्ट्स, यहाँ फिटनेस हेल्थ, आप फिटनेस हेल्थ पे काम कर सकते हो, गेमिंग, म्यूजिक एंड डिजाइन, फोटोग्राफी, आप खुद चेक करना कितनी। ये देखो राइटिंग एंड पब्लिशिंग, आप आर्टिकल राइटिंग भी यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं आज आपको सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग का बताऊँगा कि आप कैसे इमेजेस, वीडियोज या प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अमेजोन, दराज वगैरह से। आप एफिलिएट मार्केटिंग भी इससे कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ इमेजेस और वीडियोस का बताऊंगा, उसके बाद अगर आपने अच्छा रिस्पांस किया तो मैं इन सारों की कैटेगरी वाइज वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको चाहिए होगा इनका अकाउंट। तो यहाँ पे कोने में आप देख रहे हो स्टार्ट सेलिंग बटन, स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आओगे आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा, साइन इन विथ फेसबुक, गूगल, एक्स या स्ट्राइप। यहाँ पे या आप अपने ईमेल भी दे दें और पासवर्ड दे दें, क्रिएट अकाउंट क्लिक करोगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। लिंक सेंड कर दी जाएगी आपकी ईमेल एड्रेस पे, वहाँ पे वेरीफाई करके सिर्फ अपना अकाउंट लॉगिन कर देना है। अब यहाँ देखो लॉगिन हो गया, वेलकम टू गुमरोड। ओके, नीचे आ गए। अब क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहले आप अपने थोड़ी प्रोफाइल को कस्टमाइज कर ले, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज प्रोफाइल, सिर्फ इस पर क्लिक कर देना। नीचे आना है, अपना यूज़र नेम दे देना है। मेरा यूज़र नेम रॉन्ग है तो मैं अपना यहाँ पे यूज़र नेम दे दूंगा, आप में सेम एडिटिस वही यूज़र नेम दे देना। उसके बाद अपना कोई भी नेम दे देना है, नेम दे, उसके बाद अपने बायो दे, जैसे मैं देता हूँ IM पिक्चर सेलर, कभी दे देता हूँ आप देख लें। आप कोई भी अच्छी सी बायो दें ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ डेमो करके। उसके बाद आ जाना है, अपना लोगो लगा लें या बाय डिफॉल्ट देना दे तो वो आपकी मर्जी। उसके बाद कनेक्ट टू एक्स, ट्विटर से आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो प्रीव्यू में मेरा अकाउंट आ रहा है। सिर्फ आपने नीचे आना, हाईलाइट कलर, बैकग्राउंड कलर आप वाइट रखें या पिंक रखें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब हो गया ये सेटिंग। अब मैं इसको कर देता हूँ अपडेट सेटिंग पे। यहाँ पे देखो चेंज सक्सेसफुली हो गया, यहाँ पे मेरा यूज़र नेम वगैरह प्रोफाइल सेटिंग हो गया। अब चले जाते हैं बैक होम स्क्रीन पे, यहाँ में नीचे आते हैं। उसके बाद है क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट, जो अब हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद है गेट योर फर्स्ट फ्लावर, मेक योर फर्स्ट सेल, ये सारी अब हम बाद में करेंगे। हमारे प्रोफाइल वो भी हमारा एक किस्म का स्टोर बन गया। ठीक है, अब हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो गई, एक किस्म का हमारा स्टोर बन गया है। अब हम करेंगे क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट पे क्लिक, पहला प्रोडक्ट हम बनाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिजिटल प्रोडक्ट, कोर्स और ट्यूटोरियल, ई बुक, मेम्बरशिप, फिजिकल गुड्स या बंडल। अब यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप कुछ भी डिजिटल लगा सकते हो, इमेज हो गई, वीडियो हो गई, कुछ भी हो गया। उसके बाद कोर्स, आपको कोर्स बेच सकते यूट्यूब से उठा के यहाँ पे अच्छा सा करके लगा दें, कोई मसला नहीं, आपकी सेलिंग हो जाएगी। उसके बाद आते हैं ई बुक पे, आप ई बुक कोई स्टोरी लिख सकते हो, कोई हिस्ट्री बुक लिख सकते हो या कोई भी फिल्म टाइप बुक लिख सकते हो जहाँ पे यूज़र्स आके खरीद करें। अब आपने ई बुक लिखना कैसे, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, सीधा ChatGPT पे जाएँ, वहाँ पर बुक का उनका कमांड दें या खुद बुक लिख के देंगे, उस पर थोड़ा अपना लेबर वगैरह लगा के चिपका दें, हो जाएगा आपका काम। ई बुक बिल्कुल ईजी, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट वीडियोस और पिक्चर्स पे बनाऊंगा। अब डिजिटल प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, आप नेम दे देना है। अब नेम में नेचर पर अपलोड करता हूँ या फिर कोई बीच व्यू पर करता हूँ। अब मैंने लिख दिया सी व्यू वेव्स। अब आते हैं नीचे डिजिटल प्रोडक्ट, अब प्राइस कितनी लिखनी है। प्राइस आपने नवच नहीं करनी, आपने सिर्फ $5 लिख दें या $2, मतलब $10 से आपने कम ही रहना है।
ज़्यादा लालच करोगे फिर आपको सेलिंग नहीं होगी, जितनी लो प्राइस होगी उतनी सेलिंग होगी। जैसे ही आपका स्टॉक ग्रो होगा फिर आप प्राइस बढ़ा देना। आप सिर्फ $5 लिख देता हूँ मैं, उसके बाद आपने इंटर पे दबा देना या मोबाइल में इंटर कर देना, कुछ कुछ हो जाएगा। अब ये देखो, अब आ गए हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह, अब CU आ गया, CU वेयर। अब यहाँ तो कोई छोटी मोटी डिस्क्रिप्शन देनी है अच्छी अट्रैक्टिव, अब मैं दे देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। अब मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल CU नेचुरल वेव सिनेमैटिक वीडियो, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए, नीचे हमें क्या करना है, अब नीचे आप देना कोई भी अपना URL देना है। अब मैं CU पे कर रहा हूँ तो हम लिख देते हैं CU, ठीक है, CU.DV। यहाँ पे जो हमारी URL होगी ना वो थोड़ी SEO टाइप लगेगी, जाके उसको रैंकिंग करने में अच्छा हो। यहाँ पे कस्टम डोमेन लगा रखते हैं लेकिन लगाना बिल्कुल भी नहीं है, वे डोमेन परचेस होते हैं। यहाँ पे अपलोड इमेज आर वीडियो, अब आपने अपलोड करनी है इमेज या वीडियो तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कॉस्ट लिंक, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट वहाँ से चले जाने। ये देखो यहाँ पे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वीडियोज़ का और फोटोज़ का, इन दोनों में से आप जो चाहे सेलेक्ट कर लें। अब मैं फिलहाल पहली जो पोस्ट है वो मैं वीडियो कर देता हूँ, अब CU में कर लेता हूँ जो वेव वाली हो। मैं सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे ये रही, ये मुझे अच्छी लग रही है तो मैं इसको कर देता हूँ डाउनलोड। जैसे इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आगे सामने डोनेट वगैरह कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई। अब आपको एक इनका कवर भी चाहिए होगा जो यूज़र्स को शो, तो कोई बात नहीं आपने इसी का ही स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब जैसे मैं बिग स्क्रीन पर इसको कर देता हूँ, इसको यहाँ पे स्टॉप हो गई। अब यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ कोई, जैसे मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट इसका, यहाँ से मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट, आपको देख लें ये बीच में येलो वाला आ गया, ये मैं ट्रीट कर दूँगा बाद में। अब देखो ये आ गया इसका स्क्रीनशॉट, अब इसको थोड़ा एडिट वगैरह भी कर लें अगर आप उस टाइप करना चाहते हैं तो। अब ये मेरा येलो डाटा हो गया क्योंकि आप लोगों को हाईलाइट भी करना होता है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर दूंगा यहाँ से। अब नीचे आ रहे हैं यहाँ पे कवर, यहाँ पे आपने अपलोड करनी है कोई भी प्रोडक्ट, या पिक्चर्स हो गई या वीडियोज हो गई। अब मैंने वीडियो डाउनलोड की थी, आप पिक्चर भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करके ओपन कर दिया, अब यहाँ पे ये अपलोडिंग होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद अपलोडिंग के बाद नीचे आते हैं अपलोड आ थंबनेल, थंबनेल आप PNG या जिस JPG फॉर्म में लगा सकते हैं। अब अपलोड फाइल तो क्लिक करूँगा, अब जो मैंने कॉपी किया था थंबनेल, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वही सेम अभी मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। आपका थंबनेल जो मैंने दिखाया था आपने सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है काम, आपको कोई भी जरूरत नहीं खुद की पिक्चर्स बनाने की या कोई और पिक्चर्स बनाने की। अगर आप बनाना चाहते हैं ठीक है, अगर नहीं बनाना चाहते तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे देखो पिक्चर 600x600 की स्क्वायर में होनी चाहिए, तो चले जाना गूगल पे और इमेज रिसाइजर वगैरह चेक कर लेना, वहाँ से आप पिक्चर 600x600 की कर सकते हो आराम से। मैं 600x600 करके आप लोगों को दिखाता हूँ थंबनेल अपलोड करके। अब ये देखो मैंने इमेज क्रॉप कर ली, आप यहाँ से जाके पिक्सल लेन में या पिक्सल आर्ट में भी कर सकते हैं अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या फिर आई लव इमेज में जाके कर सकते हैं। क्रॉप इमेज पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ से डाउनलोड करके मैं वहाँ पे लगा दूंगा। अब डाउनलोड क्रॉप इमेज पे क्लिक करता हूँ, ये हो गया डाउनलोड। अब मैं चला जाता हूँ पे, यहाँ पे करना है थंबनेल अपलोड 600x600 पिक्सल में। अगर आप कोई लंबी करते हो तो ये अपलोड नहीं होगी, आपको लाजमी से 600x600 ही करनी है। अब देखो ये हो रही है अपलोड, मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है। या प्रीव्यू चेक करना, इसका प्रीव्यू कुछ ऐसा शो हो रहा है। जैसे ही थंबनेल शो होगा ये देखो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ऐड हो गया तो थंबनेल भी यहाँ पे जो न्यू यूजर्स आएगा उसे ऐड हो जाएगा। अब नीचे आते हैं प्रोडक्ट कार्ड कलेक्शन, आई वॉन्ट दिस बाय दिस या पे दिस, जस्ट आई वॉन्ट दिस पे क्लिक करना है। यू विल गेट समरी, इसको छोड़ दें, एड डिटेल वगैरह अगर आप करना चाहें तो उसे भी छोड़ दें। इनवाइट योर कस्टमर सर्कल कम्युनिटी, ठीक है अलाउ कर दें इसको, ये API की मांग रहा है, ठीक है छोड़ दें इसे। उसके बाद प्राइसिंग पॉइंट डॉलर आएगी, अलाउ कस्टमर टू पे व्हाट दे वांट, ठीक है अलाउ कर देंगे। यहाँ पे ऐसा होगा कि कस्टमर जितना भी लेना चाहते हैं या जितना वो पे करना चाहते हैं कर दे, हमें इससे कोई नहीं, हमने सिर्फ $5 लगाए हैं, ये कस्टमर की मर्जी है वो कितना भी हमें पे करे, $1 करे तो भी हमारा फ़ायदा है, कौन सा हमारा ये खुद का प्रोडक्ट है। अब नीचे आते हैं, ये ऑफर वाला प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी नहीं करना इधर नीचे, लिमिट प्रोडक्ट सेल कुछ भी नहीं करना, अलाउ कस्टमर टू चूज क्वांटिटी, ठीक है यही सिलेक्ट कर देना है, क्वांटिटी कर लें। उसके बाद है पब्लिकली शो नंबर ऑफ यूर सेल प्रोजेक्ट, ठीक है पब्लिकली शो करवाएंगे कि कितनी प्रोजेक्ट सेल हुई है, तो इससे हमारी स्टोर की रेंजिंग बढ़ेगी। उसके बाद आते हैं मार्क प्रोडक्ट एज ए पब्लिशर ऑफ वेट पर, नहीं छोड़ दो।
स्पेसिफाई रिफंड पॉलिसी प्रोडक्ट, ठीक है, अगर अलाउ करना चाहें तो कर सकते हैं 30 दिन के लिए, अदरवाइज इसको लीव कर दें, ठीक है, ये हम करते हैं लीव, इसको ये होगा लीव। अब नीचे आते हैं, अब सारा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया यहाँ से, ये देखो सारा हमारा स्टॉक का वन बाय वन सारा कुछ बता दिया, आप लोगों ने भी सेम ये ही चीज करनी है। अब देख लो फिर से एक बार इसको देख लो, उसके बाद कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। उसके बाद आता है कंटेंट, यहाँ पे अपना कंटेंट लगा लें कोई भी, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, एंटर द कंटेंट यू वांट से अपलोड योर फाइल और स्टार्ट टाइपिंग। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी यहाँ लिखना चाहते हैं या कुछ ब्रीफ देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख लें, उसके बाद पब्लिश एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब ये देखो ये नोटिफिकेशन आ गया, पब्लिश हो गया, अब ये हमारा प्रोडक्ट पब्लिश हो गया। अब कोई भी यूज़र आएगा, जैसे अब कोई मैं जा रहा हूँ गूगल पे, मुझे नीड है किसी सीपीयू या किसी वेव्स टाइप की चलती या फिर किसी सीपीयू टाइप की वीडियोस की ज़रूरत है जो मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए लगाऊँ, फिर यूज़र्स को अगर अच्छी लगेगी तो वो यहाँ से बाय करके जाएगा। आप पिक्चर लगा लें, वीडियोज लगा लें या फिर बुक्स वगैरह लगा लें, दूसरी कैटेगरी है, सिर्फ मैंने आज डिजिटल प्रोडक्ट की बनाई। अगर आपका रिव्यू और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसके दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, दूसरे प्रोडक्ट पे भी बनाऊंगा, जो ई बुक हो गया या वीडियो हो गया या फिल्म हो गया, उस पर मैं बनाऊंगा। आप लोगों को सिर्फ मुझे रिस्पॉन्स देना है और शेयर करनी है वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोग आएँ और हम ज़्यादा वीडियोज बनाएँ। अब ये सारा प्रोसेस हो गया, आपने पब्लिश कैसे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, दूसरे ऑप्शन दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपने अब विड्रॉ कैसे लेना है, मेन चीज़ है विड्रॉ की। अब यहाँ पे आते हैं कोलेबरेटर्स, अब यहाँ पे आप किसी के साथ कोलैब कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी और यूजर्स होगा या सेलर होगा उसके साथ कोलैब करके आप यूज़ कर सकते हो या सेल कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं चेकआउट पे, आपने चेकआउट कैसे करना, जो भी आप प्रोडक्ट बाय करना चाहोगे तो वो आपका चेकआउट है, यहाँ से हमें काम है ईमेल्स पे, यहाँ पे आपको ईमेल्स रिसीव होंगी या आप किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं जो आपके बायर होंगे उसको। उसके बाद वर्क फ्लो आता है, इसको भी छोड़ दें, ये भी हमारे काम का नहीं है। ये देखो ऑटोमेट ईमेल विद ई, यहाँ पे वर्क फ्लोज में ये है कि आप ऑटोमेटिक ईमेल यहाँ पे बना सकते हो, एक ऑटोमेटिक ईमेल बना दे, जो भी लीड आएगी आपकी, जो भी यूजर्स आएगा आपकी पिक्चर पे तो वो लीड में काउंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ से यूजर्स को ईमेल सेंड हो जाएगी कि आप हमारा प्रोडक्ट बाय कर लो या प्रोडक्ट अच्छा है बाय कर लो। जैसे आप ईमेल लिखोगे यूजर्स सिर्फ इंप्रेशन भी देता है ना, तो वो यूजर्स को डायरेक्ट ईमेल चली जाएगी कि ये वर्क फ्लो ऑटोमेटिक ईमेल। उसके बाद सेल्स में आते हैं, यहाँ पे जो भी आपको सेल्स होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। उसके बाद एनालिटिक्स में आते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है आपको टोटल व्यूज़ कितने आए, आपको अर्निंग कितनी हुई, आज कितने हुई, रिफंड कितने हुए, सारे लोकेशन वगैरह यहाँ पे ही शो होगी। उसके बाद नीचे आते हैं पे आउट का ऑप्शन, जैसे पे आउट पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे बिना देखो 0-0 क्योंकि अभी कोई अर्निंग नहीं हुई। अब पे आउट आप लोगे कैसे, यहाँ पे है लर्न पे आउट अबाउट पे आउट, हम देखते हैं और आपको भी बताता हूँ कैसे आपने अर्निंग लेनी है। यहाँ पे देखो पे आउट्स डैशबोर्ड, अब आपने पे आउट कैसे लेना है, पे आउट नोटिफिकेशन, पेपाल पे आउट, क्रेडिट पे आउट, बैंक विड्रॉवल। अब या तो बैंक विड्रॉवल से अब आप लोग बैंक में अपना विड्रॉ लेते हो, अगर आपके पास बैंक नहीं है तो ईजी पैसा जेल कैश भी एक बैंक है, तो वहाँ से आप विड्रॉ ले सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट आके बैंक ट्रांसफर है यहाँ पे अवेलेबल, तो आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हो। जैसे आपके अर्निंग होगी आप नीचे आ जाना है पे आउट के ऑप्शन में, वहाँ से विड्रॉ लेना। आपने अब सेटिंग कैसे करनी है, देखो यहाँ पे आउट में जाता है, अब यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम यहाँ क्लिक कर देना है, यहाँ पे प्रोफाइल या एफिलिएट, यहाँ पे एफिलिएट है आप फ्रेंड इनवाइट करें और आपको अर्निंग होती रहेगी, जैसे ही उसकी सेल होगी आपको भी अर्निंग होगी। यहाँ पे आते हैं सेटिंग में, यहाँ पे कुछ पे आउट के ऑप्शन है आप लगा सकते हो अपने पे आउट वगैरह। ये देखो पेमेंट आ गई, पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लें पाकिस्तान या कहीं से भी आप सेलेक्ट कर लें, ये आल चेक कर दें, ठीक है। उसके बाद सेविंग पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपने स्ट्राइक या पेपाल कोई भी पेमेंट मेथड आपने यूज़ कर लेना है, या फिर आप बैंक अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इंडिविजुअल या बिजनेस, इंडिविजुअल करके यहाँ पे फिल्टर करना, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, अपना सारा कुछ डेटा पर दे के कंटिन्यू, कनेक्ट विद पेपाल करके कंटिन्यू कर देना है, आपकी प्रोफाइल और पेमेंट सेटिंग एड हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस मैंने बताया कि कैसे आपने अर्निंग करनी, कैसे आपने प्रोडक्ट लगाना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, अगर दूसरी कैटेगरी की आप वीडियो जाते हैं बुक्स वगैरह की तो मुझे ज़रूर बताएगी, उसके भी मैं ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में बताएं कैसी लगी वीडियो, अगर दूसरी वीडियो चाहिए इसी इस पर तो कमेंट में भी बता दें, मैं इस पर बनाऊंगा। आप कैटेगरी का नाम लिख दें, बुक हो गया, फिल्म हो गया या कोई वीडियो एडिटिंग कैटेगरी का नाम लिखे, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अभी वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं कल एक और न्यू अर्निंग टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।